अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। त्रिजोत सिंह बावा ने आज अभी अपनी जीत को बरकरार रखते हुए 7 पॉइंट के रिकॉर्ड के साथ हैदराबाद के नंबर 1 बॉक्सर होने का अपना दावा कामयाब किया। अभी तक हैदराबाद में इस रिकॉर्ड का कोई भी बॉक्सर नहीं आया है। त्रिजोत सिंह ने तमिलनाडु के बॉक्सर को एक तरफा हरा के ये जीत हासिल की है। इसका पूरा क्रेडिट अपने कोच ओमकार नाथ यादव को दिया है। सेकेंड बॉक्सिंग मैच ऑफ द सीरीज़ हेल्ड जो कि बी क्यूब बॉक्सिंग जिम हाईटेक सिटी में मुनक्किद किया गया था। पेश है 90s न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। Okay, good afternoon. So we are coming from Tamil Nadu, Coimbatore, Manchester Boxing Academy. So we have running successfully around 7 years of boxing. So my name is Krishna Kumar, the head coach and president of Manchester Boxing Academy. So I've been into four state matches, four state gold and three national winner, and I have been into Indian camp and the national. So I played for India in 2017. So I got gold. So that is Asian Games. So in South Asian Games. So this is my student Lingeshwaran. He's been fighting for past 3 years. So he has a record of two wins and two knockouts and three loss fights. So now this is a fifth fight for him, the professional boxing. So now we have been going through. So thank you. बॉम्बे आबादी का जो है आज यहाँ पे जो बॉक्सिंग होने वाला है इसमें कितने किलो के वेट से स्टार्ट किया सर? यहाँ पे हमने 55 केजी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आज पहली बार हमारे पास 85 प्लस के बच्चे, 80 क्रूजर वेट बोलते हैं जिसको, वहां के भी बच्चे खेलने के लिए आए हैं। वेस्ट बंगाल के बच्चे आए हैं, चेन्नई से आए हैं, विशाखापट्टनम से आए हैं और हैदराबाद तो माशाल्लाह हम लोग का है ही एवरग्रीन। तो आज देखते हैं इसमें कितने बच्चे, हमारे हैदराबाद के बच्चे इसमें जीतते हैं। कितने मैच खेले हो? देखिए अभी इसको मिला के हमारा तीसरा जीजी के नाइट हो रहा, फाइट हो रही है ये। इससे पहले जीजी के फाइट नाइट हुई थी, फिर बी क्यूब में हम लोग से हमारी बात हुई, बी क्यूब क्लब से। बॉक्सिंग अरेना है ये, इतना पीसफुल अरेना, यहाँ पे हम लोग को हर एक तरीके से सहूलियत मिली है। तो हम लोगों ने इनके टॉलरेट करके अरेना रिंग सब उन्होंने हमको दिया है। तो आज यहाँ पे हमारा तीसरा मैच है। सर ये विशाखापट्टनम से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, चेन्नई से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो अभी इतने दिन में सबसे ज्यादा टफ का मुकाबला किसका देखा? अभी तक सबसे ज्यादा टफ मुकाबला पहला बोर्ड हम लोगों ने देखा था, काफी अच्छा था। और अभी एक बोर्ड हम लोग के पीछे चल रहा है, वो काफी अच्छा टफ होने वाला है, विशाखापट्टनम वर्सेस हैदराबाद का कॉम्पिटिशन है। सब हमने देखा कि आपका लड़का ने मुकाबला कर रहा था, वो कभी एक राउंड में आगे जा रहा था, दूसरा राउंड ये दोनों का मुकाबला करा था। आप भी एक बॉक्सिंग खेलते हो चुके, तो अपने लड़के को काफी मेहनत की, उसके बाद भी आपका? जी हाँ बिल्कुल, देखिए बेशक इसी से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो बच्चा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, भले वो मेरा बेटा हो, भले वो किसी और का बेटा हो, किसी ना किसी का वो बेटा है। तो ना इत्तेफाक की नहीं बोलेंगे, ये तो मेरा बेटा हार गया, लेकिन उस चीज की मुझको खुशी है कि मेरा बेटा आज हारा है, उसको हार का स्वाद चखने को मिला।
तो उससे भी उसको एक सबक मिलेगा, इंशाल्लाह अगली बार वो जीतने की पूरी कोशिश करेगा। सर अभी कितने बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर मेरे पास इस वक्त 13 बच्चे हैं, मेरे क्लब के अंदर गुरुकृपा बॉक्सिंग क्लब के अंदर प्रैक्टिस करते हैं लोग, और इन लोग को तकरीबन हम लोग हैदराबाद बॉक्सिंग काउंसिल, तेलंगाना बॉक्सिंग काउंसिल, ये तेलंगाना बॉक्सिंग काउंसिल हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं उनके थ्रू मिलके सब होके। सर किसके जरिए सरपरस्त में किया जाता है? सर ये आईबीसी इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल मिस्टर पीकेएम राजा ब्रिगेडियर राजा साहब है, उन्होंने हम लोग को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है प्रो बॉक्सिंग के लिए, तो हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को अब इंटरनेशनल जाने के मौके मिलने वाले हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे हैदराबाद से इंटरनेशनल जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान अगले महीने फिर बी क्यूब में ही हमारा प्लान है, बी क्यूब में हमको बोला है कि आप 6 मैचेस की सीरीज कीजिए, तो नेक्स्ट मैच हमारा बी क्यूब में होने वाला अगले महीने फर्स्ट वीक में। यही बोलना है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और हम सभी आजाद है, आज देखिए सब आजादी के उसके अंदर इतना एंजॉय कर रहे हैं और आजादी से खेल रहे हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रो मैचेस में ऐसा है कि आप अपने खुले दिल से खेलिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आई लाइक टू थैंक मिस्टर मनिंदर सिंह फॉर सच एन अमेजिंग प्रपोजल दैट स्टार्टेड अप इन हैदराबाद। आई होप टू सी ग्रो वाइडर वाइडर अक्रॉस द ग्लोब, एंड एक्चुअली हैदराबाद हैज अ लॉट ऑफ रेनाउंड बॉक्सर्स who has not given enough support from the government. I've been boxing since my schooling, but I came into light only when I was 19 years old. I then started playing seniors, got 3 national medals in open, and then apart from that I've been to Dubai, and I used to represent Abu Dhabi for a professional boxing there, but that was fight nights. So it feels amazing when I come back to my hometown Hyderabad and compete and represent my own hometown Hyderabad, and I hope to see many boxers grown up from Hyderabad and have their impression throughout the globe. Thank you so much. So I was in cruiserweight today. I am hoping to play in same weight category. Cruiserweight starts from 81 to 91 kilograms. Yeah. So the person whom I fought today, his name is Lingeshwaran. He's from Chennai, Coimbatore, and has got a winning ratio of 100 out of 100 knockouts. So all the previous matches that he won was through knockouts. It feels great to make him defeat in today's match. Thank you so much. Hold on.
ये
Just number two has given 36 240 in favor of Imran Ali, and just